कार्यालय उपनिबंधन में स्कैनिंग डिजिटलाइजेशन के कार्य के लिए जैन कंप्यूटर मेरठ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर MDS के रूप में कार्यरत कर्मचारियों ने कंपनी पर मानक वेतन में से कटौती करने और कर्मचारियों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया है। सोमवार को कंपनी वर्कर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उनकी गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें जैन कंप्यूटर मेरठ नामक कंपनी पर अनेक आरोप लगाते हुए सभी कर्मचारियों का पूरा वेतन दिलवाए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही इस मौके पर आउटसोर्सिंग पर कार्य करने के लिए अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? जी पुरुषोत्तम सिंह जी। क्या मामला है आपका? सर हमारा सैलरी को लेकर। किस कंपनी से हैं आप? सर जैन कंप्यूटर। कहाँ से आए हैं आप लोग सब? हम सर मुरादाबाद रजिस्ट्री ऑफिस, कुछ कांट से भी हैं और कुछ बिलारी से भी हैं, कुछ ठाकुरद्वारा सभी जगह से आए हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? सर हमारा जो सैलरी को लेकर समस्या है। क्या है मतलब? सर जो हमारी जो सैलरी बताई थी उन्होंने, वो बताई थी कटने के बाद में PF वगैरह सब कुछ कटने के बाद में 14,500, मगर हमें सैलरी दी जा रही है 10,474 रुपये। कब से काम कर रहे हैं आप इस? सर हम 27 मार्च से ज्वाइन हुए थे। आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जी? आउटसोर्सिंग से। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर हमारी जो सैलरी है 14,500, PF वगैरह सब कुछ कटने के बाद में वो हमें दी जाए। आज किससे मिले आप? आज ADM फाइनेंस सिटी से।